अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने कमेंट किया था मेरे एक वीडियो पे कि भाई प्लीज़ चैप्टर बता दो मेरे को, कौन सा कर लूँ जेई मेंस में जैन वाले अटेम्प्ट में, जिससे 10 क्वेश्चन कर लूँ सही एकदम। प्लीज़ बता दो भैया, मेरी मैथ से फट रही है बहुत, केमिस्ट्री और फिजिक्स करी है अच्छी से बस। तो भाई फटने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स काफ़ी आसान है जेई मेंस के रिस्पेक्ट में। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ जिसमें कि मैं आपको आसान वाले टॉपिक्स बता देता हूँ, जिससे कि काफ़ी रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं और वो करने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना दिन आपका बच्चा है 7-8 दिन उसमें आपका हो जाएगा। तो सबसे पहला ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैंने रखा है, तो इसमें 2 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप सोच सकते हो। एक क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये सबसे रेट ऑफ चेंज, वो वाले क्वेश्चंस कर लो। और फिर दूसरा आता है मैक्सिमा मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये सब काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑल आधा दिन करीब में हो जाएगा ये सब। तो फिर और कैसे करना है कि 2019 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये चैप्टर से, उसको उठाओ और उसके पीछे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो कर लो, है ना। फिर उसके बाद आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो आपका होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस है उसको कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाले क्वेश्चंस देख लो, काफ़ी आसानी से ये भी हो जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका नेचर ऑफ रूट्स की जो डिस्क्रिमिनेंट है, इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ये सब जो अलग अलग टाइप के बनते हैं। और फिर जो आपका ग्राफ रहता है ऊपर नीचे, ये मैंने जो अभी वीडियो डाला है कम से कम वो देख लो, तो उसी से काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर जो वही सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब सारे, तो इसमें अभी तक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डाल दिया है, मैट्रिसेस पे वीडियो डाला है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे डाला है, फिर ये नेक्स्ट आने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। फिर ये दो से ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स से, तो ये भी जाके 2019 के कम से कम जितने क्वेश्चन है वो कर लो। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेट कॉन्सेप्ट पे रहता है, ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऑयलर फॉर्म, ये सब जो रहता है। तो ये भी मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे वीडियो डाला है वो जाके देख लो और 2019 का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर वेक्टर एल्जेब्रा, फिर से काफ़ी सेट जो पैटर्न रहता है उसी पे पूछा जाता है कॉन्सेप्ट पे, तो ये भी मैंने जो वीडियो डाला था वो देख लो कि एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर बोला गया कि परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, फिर यूनिट वेक्टर, तो ये वाले सारे जाके कर लो। और फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़, यहाँ से भी पूछा जाता है, तो 2019 में जितने पूछे गए हैं वो कर लो। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी पे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना दिन आपके पास बचा है तो कम से कम ये सारे टॉपिक आप लोग फटाफट कर लो और हो भी जाएगा। और करने का फंडा वही है कि 2019 का जितना क्वेश्चन है, जनवरी का सुबह शाम और फिर उसके बाद अप्रैल का सुबह शाम, तो उसको उठाओ और फिर जैसे वो कर रहे हो उसके पीछे जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आपको मिल गया नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का, तो होमोजेनियस का भी देख लो, है ना, जो भी रिलेटेड जितना भी है वो सारे देख लो। जैसे नेचर ऑफ फ्रूट्स में पूछा गया कि रियल कब होगा या फिर रैशनल कब होगा, तो जाके देख लो इरेशनल कब होगा, इमेजिनरी कब होगा, ये सब सारे कंडीशंस देख लो, है ना। तो ये सब काफ़ी ईजी टॉपिक्स हैं और हो भी जाएंगे। तो जिसका भी फट रहा है अभी तक, तो फटने का ज़रूरत नहीं है, जितना दिन बचा है उतने में भी ये सारे टॉपिक्स कर लोगे तो डिसेंट मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये सारे हो गए तब फिर बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी आपका टेम्पो बना रहेगा, टाइम है तो फिर करते रहो, ठीक है। तो ये मैंने सोल्यूशन बस बताया इसके लिए कि जिसका एकदम अभी हालत ख़राब है मैथ्स में और फिर वो बस चाह रहा है कि, तो अभी उम्मीद नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी सोचते हैं कि अब अप्रैल वाले में करेंगे, लेकिन वो नहीं, अभी जितना दिन बचा है, 1 हफ्ता बचा है, 10 दिन बचा है, 8 दिन बचा है, उतने को पूरा मैक्सिमम करो यूटिलाइज, जितना आपका बेस्ट हो सकता है वो करो। और ये सारे जितने भी आसान वाले टॉपिक्स हैं ये सारे कर लो और फिर अप्रैल का अप्रैल में देखना। लेकिन अभी ये जनवरी वाला जो होता है वो बहुत अच्छे से जितना कर सकते हो उतना करो। और एग्ज़ाम डे में भी ये आपका अटेम्प्ट होना चाहिए कि जो भी आपका स्ट्रांग है केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, तो पहले उससे स्टार्ट करो। जनरली लोग केमिस्ट्री से करते हैं या मैथ्स से करते हैं, मैं केमिस्ट्री से करता था, तो आप लोग के लिए सजेशन रहेगा केमिस्ट्री फटाफट करो, फिर मैथ्स करो, फिर फिजिक्स करो, और सारा जितने भी आसान क्वेश्चन हैं, मीडियम लेवल क्वेश्चन है, वो सारा करो। कोई भी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ये नहीं कि वही एक क्वेश्चन उठा के फिर उसी पर अपना सारा टाइम स्पेंड कर दिया, अगर डिफिकल्ट हो गया, अटक गए, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, सिंपल वाले करो और फिर लास्ट में आके डिफिकल्ट वाले करना। तो जब तक लास्ट मिनट आपका ख़त्म नहीं हो जाता एग्ज़ाम का, तब तक आपको छोड़ना नहीं है। और ये काफ़ी सेट पैटर्न है मैथ्स का, स्पेशली जेई मेंस में, तो वो सारे कर लो और फिर अच्छा हो जाएगा। 2019 के कम से कम क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आराम से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और फिर अभी मैं भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ कम से कम उतना मेहनत कर लो और फिर साथ में मचाते हैं।
जेई मेंस में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।